एक महीने पहले गड्ढे का भराव जल निगम की लापरवाही के कारण दोबारा हुआ विशाल गड्ढा। तारांकन चकेरी जाजमऊ क्षेत्र के सरैया चौराहे में 11 जुलाई को नाले में रिसाव के कारण 25 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, जिसकी जल निगम ने मरम्मत करवाकर मिट्टी का भराव कर दिया था, लेकिन मरम्मत ढंग से न होने के कारण मंगलवार देर रात में करीब 38 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क के किनारे दो तखत में कुछ लोग रात में सोते हैं, लेकिन बरसात के कारण तखत में कोई सो नहीं रहा था। सड़क धंसने से दोनों तखत नाले में गिर गए। सड़क के किनारे लगा बिजली का खंभा गड्ढे में लटक गया है और तारों के बल में टिका हुआ है। नाले से गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे आसपास के घरों और खेलते कूदने बच्चों के कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सड़क के अगल बगल बलिया और रस्सियां बांध दिया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो सके। सड़क धंसने से जगह सक्रिय हो गई है, जिससे बड़े वाहनों के लिए संकट बन गया है। सिर्फ छोटे वाहन भी बड़े दिक्कतों सामना करके निकल रहे हैं। लोग जो कि मौके पर पहुंचे, जोनल अधिकारी ने बैरिकेडिंग करवा कर स्थानीय लोगों को गड्ढे के पास जाने से मना किया, क्योंकि ऐसा हादसा होने की वजह से और भी कहीं आसपास कहीं ऐसा बड़ा हादसा न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। मेरा नाम मोहम्मद फखर इकबाल, मैं समाज सेवक जाजमऊ से। क्या मामला है फखर? मामला ये है कि ये जाजमऊ सरैया जो ये वीआईपी रोड से जो है निकल के जा रहा है सर्किट हाउस के लिए, यहाँ पे ये बहुत बड़ा नाला धस गया है। ये एक सरैया बस्ती है, जिसमें नाले के ऊपर काफी मकान और दुकान बने हुए हैं, जो किसी भी वक्त जर्जर हालात में पहुंचे हुए कभी भी गिर सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि नाले की पटने के भयावता बहुत बड़ी हो चुकी है। जिला प्रशासन से ये मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि वो आए और मौके पर देख के सुचारू रूप से इसका फिर से काम शुरू करें। एसीएम साहब से बात होगी, एसीएम साहब मौके पे आने वाले हैं और आला अधिकारी आगे जा चुके हैं। अब चाहते हम ये है कि फौरन मौके पे इसका काम शुरू हो, जिससे जो है पब्लिक जो है सुविधाजनक रूप से अपना जीवन जी सके। धन्यवाद। नगर निगम के जोनल अधिकारी सभी आ चुके हैं, बाकी लोग मीटिंग में थे, बात हो चुकी है। माननीय पार्षद जी हमारी बगल में खड़े, इनसे भी बात हो चुकी है, हमसे भी बात हो चुकी है। बस कुछ ही एक डेढ़ घंटे के अंदर सारे एसीएम साहब तो आ चुके हैं चौकी पे, और हमारी चौकी की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे परमानेंट मुस्तैदी से खड़ी रही, जिसके वजह से कोई हादसा ना हो पाए। ठीक है, और अब जो है इसके पूरा हम ये चाहते हैं कि सर ये सरैया चौराहे पर जो नाला धस गया है, ये इसमें किसकी कमी रही जो हादसा होने बचा? दूर संचार विभाग की लाइन में जाने से पुरानी आर्च लाइन में छेद हो गया जगह जगह, तथा यहाँ पर जल निगम द्वारा भी काम किया गया है, आर्च लाइन फ्रैक्चर हो गई, उसके दौरान गिरा है। इसकी बैरिकेडिंग करा कर दीवार भर कर ऊपर स्लैब डाल दिया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? ये सर हाईवे मेन रोड पे भी आईपी रोड पे भी सड़क आए दिन धस रहा है, तो क्या इसकी भी कोई व्यवस्था हो पा रही थी? पीडब्ल्यूडी अच्छा, ये आप लोग अंडर।